और एक मॉडिफिकेशन, ये रेविट अप का पीछे स्टिकर, इससे 10 BHP एक्स्ट्रा मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो की टैग पे रेविट अप का की चेन मैंने लगाया हुआ है, इससे और 10, तो ये 20 BHP एडिशनल पावर और गणेश जी की मूर्ति से अपना वैसे ही इंश्योरेंस निकल जाता है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मेरी R15 V3 के ऊपर जो सारी एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल की है उनके बारे में, एंड एट द सेम टाइम आई ट्राई टू गिव अ वर्डिक्ट नॉट रिगार्डिंग द R15, बट अगर आपके पास कोई और मोटरसाइकिल है तो आपको क्यों ये टाइप की जो एक्सेसरीज है वो मोटरसाइकिल के ऊपर इंस्टॉल करना सेंसिबल रहेगा। तो ये जो वाला वाइज़र है ये है बबल वाइज़र, ये मैंने ऑटोलॉक डिज़ाइन से मंगाया था। और क्वालिटी की बात करेंगे तो सैटिस्फैक्ट्री है, बट ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि यू कैन सी द पैनल गैप्स राइट देयर, बट ये जो गैप्स है ये यामाहा के जो गैप्स आते हैं उससे तो डेफिनेटली कम है। सो आई एम सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। इसमें 2-3 अलग अलग टाइप का वाइज़र आपको मिलेगा। ये वाला जो है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, पीछे का कुछ दिखेगा नहीं आपको, एक आता है स्मोक्ड और एक आता है क्लियर्ड। अभी थोड़ी बहुत बाइक्स के लिए यार ये टिंटेड शेड में भी आता है। जब भी मैं हाईवे राइड्स करता हूँ तो विंड जो होता है वो बहुत परेशान करता है क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठता हूँ तो जो एरोडायनामिक्स की अगर हम बात करेंगे विंड के फ्लो की, तो ये सर के ऊपर से जाना चाहिए, जो स्टॉक वाइज़र नहीं प्रोवाइड कर पाता। मेरे को थोड़ा लंबा वाला वाइज़र चाहिए था इसीलिए मैंने ये वाइज़र लिया। अब सेफ्टी को लेके बहुत लोग कमेंट करेंगे यार ये जो है ये क्लियर नहीं है, आप देख नहीं सकते। तो गाइज़ मेरा जो मेन पर्पस था मोटरसाइकिल का वो सिटी एंड डेली कम्यूट था एंड ओकेजनल हाईवे राइड्स। मैं रेस ट्रैक पे जाता नहीं हूँ। जो आप बोल रहे हो क्लियर वाइज़र चाहिए टक इन होने के बाद वगैरह, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट यू नीड द क्लियर वाइज़र इन केस यू प्रेफर टू गो ऑन द रेस ट्रैक एंड डू हाई स्पीड रेसिंग। नॉर्मल सिटी स्ट्रीट यूज़ के लिए ये वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड करता। तो कुछ इस तरीके का ये कॉकपिट व्यू मिलता है और मोटरसाइकिल को थोड़ा बिग बाइक फील देने के लिए भी जो वाइज़र है मोटरसाइकिल का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो यहाँ पे विंगलेट लगाया था वो कहाँ पे है? तो गाइज जब रिसेंटली बाइक का इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ था तो वो जो विंगलेट था वो निकाल के मैंने घर पे रख दिया है। मैंने सिलिकॉन का जेल आता है उसकी हेल्प से इसको लगाया था, इसको बाद में हम लोग लगाएंगे, बट दिखने में ही वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि यार डाउन फोर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको जो विंगलेट मैंने लगाया था वैसा आपको लगाना ही चाहिए। नाउ फंक्शनैलिटी वाइज दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो है ये ग्रिपॉन के टैंग ग्रिप्स है। अब ग्रिपॉन एक हमारा सब्सक्राइबर मित्र है, उसका ही स्टार्टअप है, तो उसने ये एज अ रिव्यू यूनिट मेरे को भेजा था। मैंने बोला ठीक है मैं देखूंगा, अगर प्रोडक्ट पसंद आया तो फिर चैनल पे कभी वीडियो बनाऊंगा तो इसको फीचर डेफिनेटली कर दूंगा। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम नाउ। 700 रुपये का ये प्राइस था इसका तभी, और 3M की टेप से यार ये डबल साइडेड टेप से इसको स्टिक करना है मोटरसाइकिल के ऊपर। एट फर्स्ट आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल बिकॉज मेरी मोटरसाइकिल जो है ये सिरेमिक कोटेड है और ओलियोफोबिक कोटिंग उसको मिलती है, तो आइडिया नहीं था कि 3M की टेप जो है वो चिपकेगी नहीं चिपकेगी, बट लकीली जो ओवरऑल ग्रिप है इसकी ये बहुत अच्छी है। अब इसका पर्पज़ मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मल अगर टैंक आप देखेंगे ग्लॉस फिनिश वाला ये आता है और चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जब रबराइज्ड पैड आपको मिलता है आपके थाइस को और नीच के ऊपर के एरिया को सपोर्ट करने के लिए, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्लाइड आगे नहीं होते और जो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बैंग होके हर्ट हो सकती है वो आपकी नहीं होंगी। और ये एक्सेसरी है ये मस्ट है अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स बाइक है गाइज, तो आप टैंग ग्रिप जो है कोई भी ब्रांड के आप ट्राई कर लेना, बट मेक श्योर दैट कि उसकी जो ग्रिप है वो एटलीस्ट हो। बहुत बार क्या होता है लोग सोचते हैं कि टैंक पैड्स ही टैंक ग्रिप्स होता है, तो नहीं, टैंक ग्रिप्स को आपको एक टेक्सचर मिलता है और ये जो टेक्सचर है ये इंपॉर्टेंट है अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप वो नॉर्मल रबर वाला लेंगे तो उससे उतना कुछ ज़्यादा आपको नोटिसेबल डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आपको ये ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए वहाँ पे, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट कि वो कुछ एकदम शार्प पैटर्न नहीं है। ये जो पैटर्न है ये रबर का है, सॉफ्ट रबर है और अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। अब आते हैं थोड़ा नीचे, और पता है आप पूछ रहे होगी कि जब मैंने इसका रिव्यू किया था पहले तो ये ब्लैक कलर में था, ये तो ये गोल्ड कैसे हो गया? तो गाइज़ ये है मोटो ग्रैंडाइज के फ्रेम स्लाइडर्स, और ये जो है ये इसकी डेल्टा बॉक्स फ्रेम है उसके ऊपर ही माउंट होता है। बहुत सारे चाइनीज़ जो स्लाइडर्स है वो इंजन के जो पूरी असेंबली है वहाँ पे कहीं पे तो
अटैच होते हैं, ये वाला जो है ये आपकी फ्रेम पे अटैच होता है, तो ये जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो थोड़ी इम्प्रूव होती है। तो मोटो ग्रैंडाइज वालों से जब ये प्रोडक्ट इनिशियल लेवल पे डेवलप हो रहा था मैं कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में था, और वर्जन वन का फीडबैक जब मैंने उनको दिया कि रस्टिंग और थोड़ी बहुत पेंट को लेकर मेरे को कंप्लेंट्स थे, तो उन्होंने वो जो मटेरियल है वो चेंज किया। और एक बात ये कि जहाँ पे जो रबर यूज़ किया गया है इसकी जो सीलिंग होती है उसको लेके, तो ये वाला जो रबर है वो सेम क्वालिटी का सेम ग्रेड का रबर है जो हम इंजन की हाउसिंग को सील करने के लिए यूज़ करते हैं, विच ऑल्सो मीन्स दैट जब ये फ्रेम जो है इंजन हीट से तपेगा तो जो रबर है उसको हीट और वाटर का जो इम्पैक्ट होता है, मतलब रबर जो है वो थोड़े टाइम के बाद अपना कड़क हो जाता है और फिर उसकी पपड़ी बनना चालू होता है और टूट जाता है, तो वो जो इशू है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ नहीं होगा, क्योंकि जो ये मटेरियल यूज़ हुआ है भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत हाई ग्रेड का है, तो उसी की वजह से जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो वैसे हीट से वाटर से जो उसकी क्वालिटी होती है जो अफेक्ट होती है वो नहीं होगी। और ये पहले ये उन्होंने पाउडर कोटेड दिया था, बट ये अभी जो नई प्रोसेस आई है जहाँ पे आप इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते और एक टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसका जो पेंट है वो प्राप्त होता है, तो वो वाली जो प्रोसेस है उसका उपयोग यहाँ पे किया गया, एंड उसी की वजह से जो ड्यूरेबिलिटी है या फिर पेंट की जो क्वालिटी है जो फिनिश है वो आपको थ्रू आउट द मटीरियल कॉन्स्टेंट दिखेगी। इसका और एक एडवांटेज ये है कि जब आप पब्लिक प्लेसेस पे बाइक को पार्क करते हो तो बहुत बार क्या होता है कि लोग आपकी बाइक को ना चिपका के पार्क करते हैं, मेरे को वो बात बहुत दिमाग में जाती है, और ये जो स्लाइडर्स है थोड़े बाहर आते हैं तो उसी की वजह से जो बाजू की बाइक यहाँ पे जो खड़ी होगी वो थोड़ा डिस्टेंस दे के खड़ी करेगा वो, ना कि एकदम फेयरिंग को मेरी चिपका के खड़ा करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्लाइडर्स की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जब आपकी बाइक गिरेगी तो सबसे पहले ये रोड पे घिसेगा और उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो ऊपर वाले हिस्से पे आएगा, विच ऑल्सो मीन्स दैट कि बहुत बार क्या होता है कि आप कोई भी चीप इम्पोर्टेड लगाते हो स्लाइडर्स अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जिसका क्वालिटी चेक नहीं होता, और क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में ही मुड़ जाता है बाइक गिरने के बाद, और स्लाइडर जो होता है वही आपकी फेयरिंग को डैमेज कर देता है, तो वो इशू इसके साथ नहीं होगा। बाय द वे दिस इज़ एक्चुअली अ डिज़ाइंड इन इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, तो समझ लो आप कि आपको बाहर से सस्ते में चीज़ें मिल रही है बिना टेस्ट किए, या फिर आपको एक्चुअली एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना है, एंड दिस इज़ बाय द वे द फर्स्ट टाइम वेर यू विल बी सीइंग कि ऐसी टाइप का जो फ्रेम स्लाइडर है वो R15 के लिए बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपका जो स्लाइडर होता है वो यहीं पे कहीं पे अंदर बोल्ट है उसके ऊपर अटैच्ड होता है, सिंगल बोल्ट पे अटैच्ड होता है, तो आप खुद सोच लेना कि यहाँ पे चार बोल्ट पे ये पूरा अटैच्ड होना और सिंगल बोल्ट पे अटैच्ड होना कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फोर्क स्लाइडर्स, ये और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, सो इन केस द मोटरसाइकिल फॉल्स मोटरसाइकिल का जो फेयरिंग है वो आप देख सकते हो इसकी पूरी अंदर की तरफ जाता है, तो मेरे जो स्लाइडर्स है वो टेक्निकली जो डैमेज है वो लेने के लिए बने और फेयरिंग जो है मोटरसाइकिल की वो बच जाएगी। अब मेरे को पता है आप और एक बात सोच रहे होंगे कि यार फेयरिंग तो यार मैं रिप्लेस कर दूंगा, इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा ये वो, बट गाइज मेरी मोटरसाइकिल पर्टिकुलरली ये सिरामिक कोटेड है, आपको ये जो ग्लॉस फिनिश दिख रही है चमकाट चमकती मोटरसाइकिल दिख रही है ये आपको नॉर्मली नहीं दिखने मिलती। R15 ये जो है एक साल पुरानी है मेरी, May 12th को मैंने लिया था, और अगर मैं आपको मेरी बाइक का ओडो बताऊँगा तो 12,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला के हो गया बाइक, और फ्रंट पे अगर मैं आऊँगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये चिकनाहट चमकान देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों सिरेमिक कोटिंग कराना मेरे को नेसेसरी लगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपनी मोटरसाइकिल को रखना चाहते हो, ग्लॉसी फिनिश जो है मोटरसाइकिल की एक साल होने के बाद अभी तक मेंटेन हुई है बहुत अच्छे से, और ऐसा भी नहीं कि मोटरसाइकिल चली नहीं है, मैंने 12,000 किलोमीटर इसको चला लिया है और उसके बाद भी जो स्वर्ल मार्क्स वगैरह जो आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर नॉर्मल मोटरसाइकिल इतने नहीं दिखते, और जो पेंट है वो मोटरसाइकिल का ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व होता है। अब और एक एक्सेसरी है यहाँ पे जो कि है ये रेडिएटर गार्ड,
अब इंडिया के अंदर जब हम राइडिंग करते हैं रोड कंडीशंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, छोटे कंकड़ से तो वैसे इशू नहीं आएगा, बट जो बड़े कंकड़ होते हैं वो आपके रेडिएटर को डैमेज कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्टी रहेगा तो आई थिंक थोड़े बहुत इंश्योरेंस कंपनीज़ ज़्यादा नखरा बिना कि आपको नया रेडिएटर दे देंगे, वो इंश्योरेंस में आपका कवर हो जाएगा। बट अगर नहीं हुआ, इन दैट केस आपको 8,000 का फटका R15 V3 के ऊपर लगने वाला है। अब प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर, दैट इज़ वाई ये रेडिएटर गार्ड। मोटरसाइकिल के क्लीनिंग के टाइम पे भी मेरे को रेडिएटर के फिन्स के ऊपर डायरेक्टली पानी प्रेशर से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेडिएटर गार्ड जो होता है वही गंदा हो जाता है पहले कॉन्टैक्ट में आने के बाद, और उसको ईजिली क्लीन कराना पॉसिबल है। और एक मॉडिफिकेशन, ये रेविटअप का पीछे स्टिकर, इससे 10 BHP एक्स्ट्रा मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कीटैक पे रेविटअप का कीचेन मैंने लगाया हुआ है, इससे और 10, तो ये 20 BHP एडिशनल पावर। और गणेश जी की मूर्ति से अपना वैसे इंश्योरेंस निकल जाता है, कि अभी जो रैड डैमेज हुआ था भाई, ख़तरनाक रैड डैमेज था। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको क्या क्या चीज़ है जिनका ख्याल रखना है लॉकडाउन के टाइम पे। और मेक श्योर दैट कि ये वीडियो जो है इससे आप थोड़ा बहुत प्रेरित होके अगर कोई बाइक ख़रीदते हो उसको क्यों ये वाली जो एक्सेसरीज है वो इंस्टॉल करना नेसेसरी है। मैंने और एक बोबो का क्वालकॉम का 3.0 फास्ट चार्जर जो होता है वो मंगाया हुआ है, और मज़े की बात यह है कि उसकी क्वालिटी देख के डैड को मन किया कि उनकी मोटरसाइकिल पे वो इंस्टॉल कर ले, तो डैड की मोटरसाइकिल पे मैंने इंस्टॉल करके दे दिया है उनको। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली वो चार्जर है। The link to all the products is there in the description box below. If you guys are interested, go ahead, click that link. देख लेना प्राइस क्या है, कितना है, डिलीवरेबल कभी तक है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे डिलीवरीज थोड़ी स्लो चल रही है। INDI नंबर प्लेट्स नॉट एक्सेसरी, ये मेरे को RTO से ही मिला था, मोटरसाइकिल लेने के 1.5-2 महीने बाद मेरी INDI की नंबर प्लेट्स आ गई थी, तो ये मुंबई की RTO है वहाँ से आया था, तो ये एकदम जेन्यून नंबर प्लेट मिल गया। क्वालिटी की बात करेंगे तो ठीक ठाक है, मतलब इस कंप्लेन नहीं करूँगा मैं, बट और इम्प्रूव ये हो सकता था। तो ये था वीडियो एक्सेसरीज़ के बारे में बात करने वाला, आई होप इन्फॉर्मेटिव आपको डेफिनेटली लगा होगा ये। सो या दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट टुडेज व्लॉग, आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अप टिल देन दिस रेटअप साइनिंग ऑफ, राइट सेफ एंड एज ऑलवेज डोंट बी अ स्क्विड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम एंड कीप रेविंग, बाय बाय। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो टैंक पैड्स होता है वो नेसेसरी एक्सेसरी है अगर आपका पेट जो है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं यामाहा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में गया था, और वहाँ पे हेड मैकेनिक को मैंने अपनी बाइक जो है वो चलाने दी थी, और उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि उसका पेट जो है वो बड़ा था, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्क्रैचेस, ये उसके पेट के नीचे जो बेल्ट दबके मेरी टैंक पे लगी है, ख़तरनाक भाई साहब, उसके वजह से आया हुआ है। तो मैं तो पेटला नहीं हूँ, अगर मैं पेटला होता तो मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ता, बट अगर आपका पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बाहर आया हुआ है, और आपको टैंक पे यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं चाहिए, तो आप टैंक पैड जो होता है यहाँ पे ऐसे लगता है रबर का नॉर्मल होता है, वो आप लगा सकते हो, और लगाना रहता आपको ज़रूरी पड़ेगा अगर आपका पेट बड़ा है तो। हाँ, बस उतना ही, और क्या, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।